हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर रिमूवल स्प्रे के बारे में। मतलब हमारे अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसे हमारे चेस्ट हेयर को रिमूव करना है तो हेयर रिमूवल क्रीम आती है, उसके बाद हम ट्रिमर यूज़ करते हैं, वैक्सिंग कराते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते। पर हमारे प्राइवेट पार्ट को हम मतलब वैक्स नहीं करा सकते। मतलब अगर हमने हमारी प्राइवेट पार्ट को वैक्स करने का सोचा भी तो मतलब हमें चक्कर आ जाते हैं। और मतलब अगर आप हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ करेंगे तो भी आपके बाल रिमूव हो जाते हैं। पर मैंने अमेज़न पे देखा कि हेयर रिमूवल स्प्रे भी आता है, तो मैंने सोचा इसे ऑर्डर करके आपके लिए एक रिव्यू वीडियो बनाता हूँ कि आपको ये बाय करना चाहिए या नहीं। तो ये वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइस, लेट अस स्टार्ट। अब हम ये हेयर रिमूवल स्प्रे की बात करें तो आपको मैं मतलब यहाँ पे एक कंपनी का नाम नहीं बोलना चाहूँगा, आपको जैसे प्रोनाउंस करना है आप कर सकते हैं, NEUD, आप जैसे प्रोनाउंस करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस दिए कि भाई आपको ये चीज़ नहीं करनी। सबसे पहले डोंट अप्लाई इट फॉर ओवर 6 मिनट, आपको 6 मिनट से ज़्यादा इसे अप्लाई नहीं करना है। और मतलब क्या होता है कि जो क्रीम आती है, जो हेयर रिमूवल क्रीम, उसे हम एक पट्टी से ऐसे रिमूव करते हैं। इसको ऐसे रिमूव नहीं करना है, आपको कोई वेट टावल ऐसा कुछ लेना है, उसके बाद आपको ऐसे रिमूव कर देना है टावल से, उसके बाद आपको वॉश कर देना है। तो ऐसे ये हेयर रिमूवल स्प्रे काम करता है। मैं आपको यहाँ पे मेरे हाथ पे जो बाल है यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे आपको रिमूव करके मैं दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, उसके लिए ये वीडियो को एक लाइक तो बनता है। तो इसके साइड में मतलब यहाँ पे आपको सारे इसके इंग्रेडिएंट्स आ गए होंगे कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स है। कोई हार्मफुल ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं है, अभी देख सकते हैं। ऐसी एक बॉटल आती है, सील पैक है, मैंने अभी इसे ओपन भी नहीं किया है, गोल्डन कलर की आती है, यहाँ पे हेयर रिमूवल स्प्रे लिखा है। और इसके अंदर आपको मिलेगा, आपको ये गोली मिलेगी। मतलब बेसिकली ये गोली नहीं है, पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो वेट टावल आता है, मतलब इस ये एक वेट टावल है, आपको इसे थोड़ा सा पानी में डुबोना है और ये प्रॉपर वेट टावल जैसा हो जाएगा। इसमें दो आते हैं पर मैंने एक मतलब यूज़ कर लिया है एक्सपेरिमेंट करते हुए। मतलब मैंने इसे पानी में डाला और मैं देख रहा था कि भाई ये मतलब टावल ही है ना, कोई और चीज़ नहीं है। तो हाँ, ये टावल ही है, आपको दो ऐसी गोली मिलेगी, आपको ये यूज़ करने के बाद इसे थोड़ा सा गीला करके साफ़ कर देना है। तो अभी हम इसे यूज़ करते हैं। हम आप देख सकते हैं ये सील पैक है, एक स्प्रे की जैसा ही है। मतलब आप अपने बालों में जो लगाते हैं लिवॉन सीरम, वैसा टाइप का ही बॉटल है। हम पहले इसे एक मतलब ये जो कैप है उसमें स्प्रे करके देखते हैं। मतलब लिक्विड जैसा ही है, मतलब मुझे लगा कि शायद फोम जैसा होगा पर ये लिक्विड जैसा ही। तो हम इसे यूज़ करके देखते हैं। हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे से बाल है। तो हम सबसे पहले इसे थोड़ी सी दूरी से पहले इसे शेक कर देते हैं, उसके बाद स्प्रे करते हैं। तो देख सकते हैं पानी जैसा ही है, डायरेक्शन ऑफ यूज़ में भी ऐसा ही लिखा है। अब जैसे मैं इसे मूव कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा मतलब जो स्टिकी जेल होता है वैसा लग रहा है मुझे। पानी जैसे ये, पर थोड़ा सा स्टिकी है। तो अब हमने इसे लगा दिया, अब इसे 5 मिनट तक ऐसे रहने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या इसका असर होता है, या इससे सच में बाल निकलते हैं या सिर्फ ये वेस्ट ऑफ मनी है। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो गाइस, अभी 5 मिनट हो गए और ये हमारा जो मतलब जो गोली थी उसे हमने पानी से वॉश कर दिया। और अब ये आप देख सकते हैं थोड़ी सी मतलब एक टावल बन गया, वेट टिश्यू। अभी देख सकते हैं ये सारा जो पार्ट था वो जेल वाला वो चला गया, मतलब जो गीला पार्ट था वो ड्राई हो गया। अभी इसे हम रिमूव करते हैं। अभी देख सकते हैं, मैं आपको ये टॉवल की हालत दिखा देता हूँ। यहाँ पे सभी जगह पे बाल है, जो बाल यहाँ पे मैंने मतलब जिस जगह पे स्प्रे किया था वहाँ से थोड़े से बाल चले गए, सिर्फ थोड़े थोड़े से रह गए हैं। शायद मुझे ज़्यादा लिक्विड लगाना चाहिए था तो सारे बाल चले जाते हैं, पर आई गेस ये वर्क करता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी बाल थे वो सारे चले गए। यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। तो हाँ, आई गेस ये काम करता है। पर मैं जितने भी मतलब हेयर रिमूवल क्रीम स्प्रे आते हैं सारी चीज़ों की बात करूँ, इसकी फ्रेग्रेंस मुझे ज़रा से भी पसंद नहीं आती। इतनी बकवास फ्रेग्रेंस आती है। अभी मैंने यहाँ पे मतलब ये स्प्रे किया था, ये पूरे रूम में मतलब इतनी गंदी स्मेल आ रही है।
पता नहीं क्यों पर मुझे पसंद नहीं आती ये स्मेल। हाँ पर ये प्रोडक्ट तो अच्छा है, ये प्रोडक्ट वर्क करता है, आपको बाय करना चाहिए। अगर आप मतलब अभी भी ट्रिमर से रिमूव कर रहे हैं अपने हेयर तो उससे अच्छा है सजेस्ट आपके पास ये होना चाहिए। अब आपको कुछ नहीं करना, आपने ये जगह पे मतलब ये स्प्रे कर दिया, टॉवल से ड्राई कर दिया, अब आपको सिर्फ पानी से जैसे वॉश कर देना है। उसके बाद आपकी इस मतलब जो आपका ये पार्ट था वो प्रॉपर क्लीन हो जाएगा, आपके जो भी बाल थे सारे वो चले जाएंगे। और आपकी स्किन के मतलब अभी जो मैंने लगाया अभी मुझे थोड़ी सी इचीनेस आ रही है, पर अब मैं पानी से वॉश कर दूँगा सारी चल जाएगी। पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपको पास्ट में कोई भी ऐसे हेयर रिमूवल क्रीम से रिएक्शन आ रहे हैं तो आप ये बाय मत कीजिए, आपको इससे भी रिएक्शन आ सकते हैं। मतलब ऐसे कोई चीज़ नहीं है, मतलब आपको हेयर रिमूवल क्रीम में रिएक्शन आया तो आप सोचेंगे भाई हेयर रिमूवल स्प्रे में शायद रिएक्शन आए, आपको आने ही वाला है। पर आपको अगर रिएक्शन हो रहा है तो आई सजेस्ट ये सारे प्रोडक्ट से आप दूर रहे, अगर आपको रिएक्शन नहीं है तो ये आप बाय कीजिए। तो इस प्रोडक्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना तो गाइस बिल्कुल ना भूले। तो गाइस सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।